रीऑर्डर ऑफ स्टॉक आइटम इन टैली RP9। हाँ जी दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ रीऑर्डर ऑफ स्टॉक आइटम, किस तरीके से आप स्टॉक आइटम का रीऑर्डर टैली RP9 के अंदर करें, कितने एक पर्टिकुलर आइटम की ऑर्डर की रिक्वायरमेंट है, वो चीज़ें आप सेट कर सकते हैं टैली RP9 के अंदर। मेरा नाम है सूरज राजपूत, आप देख रहे हैं RTS प्रोफेशनल स्टडी। सो लेट्स स्टार्ट। रीऑर्डर लेवल इन टैली RP9। रीऑर्डर लेवल इज द लेवल दैट ऑन रीचिंग अ स्टॉक आइटम ऑर्डर हैज टू बी प्लेस। रीऑर्डर लेवल एक ऐसा लेवल है जहाँ पे हम स्टॉक आइटम अपने स्टॉक आइटम का ऑर्डर प्लेस करते हैं कि हाँ अब मुझे इतने ऑर्डर की ज़रूरत है, तो वो ऑर्डर बताएगा कौन, वो ऑर्डर आपका टैली बताएगा। हाँ जी दोस्तों, टैली के अंदर आप सेट कर सकते हैं, टैली के अंदर ऐसी कन्फिग्रेशन है जो आपको बता देगा कि अब इतने शॉर्टफॉल होने वाली है, इतने ऑर्डर की ज़रूरत है, तो उस ऑर्डर की रिक्वायरमेंट आप वहाँ से चेक करके आप ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं। इससे क्या होगा, अपने गुड्स की सप्लाई आप टाइम पे कर पाएंगे, सप्लाई गुड्स ऑन टाइम, अपने स्टॉक को मेंटेन कर सकते हैं आप अपने हिसाब से, मेंटेन स्टॉक अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। सो किस तरीके से ये काम करेगा मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर कंपनी क्रिएट कर रखी है, आपको कंपनी क्रिएट करनी होगी, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, F11 प्रेस करेंगे, इन्वेंट्री फ्यूचर में जाएंगे। इन्वेंट्री फ्यूचर में जाने के बाद F2 प्रेस करना है। F2 में जाने के बाद ये वाला ऑप्शन एनेबल परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग और सेल ऑर्डर प्रोसेसिंग, यस कर लेना, तभी रीऑर्डर लेवल आएगा। अब क्या करोगे, और इन्वेंट्री इन्फो में जाओगे रीऑर्डर लेवल में, और यहाँ से स्टॉक आइटम। आप याद रखना, रीऑर्डर लेवल स्टॉक ग्रुप पे भी सेट कर सकते हो और स्टॉक आइटम पे भी कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ एक पर्टिकुलर स्टॉक आइटम पे, जैसे यह पैकिंग बॉक्स है, इसके ऊपर कर रहा हूँ। मिनिमम रीऑर्डर क्वांटिटी पूछ रहा है, तो हम ये मान के चलते हैं कि मैं रीऑर्डर क्वांटिटी 2000 पीसेस रखता हूँ, ठीक। और ये डेज पूछ रहा है, कितने डेज का रखना है टाइम, तो 5 डेज, डेज या पीरियड जो भी अपना डेज या मंथ जिस हिसाब उसके हिसाब से, या हायर ले रख लेंगे, क्राइटेरिया हायर रखेंगे। और मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी जो है वो ले लेते हैं हम 500 पीसेस, 5 डेज, और यहाँ भी हार रख लिया, इसे कर लिया सेव। अब मैं दिखाता हूँ इसको, इसकी रिपोर्ट दिखाता हूँ, डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, रीऑर्डर स्टेटस, प्राइमिंग। पैकिंग बॉक्स पे सेट किया था, आपके पास रीऑर्डर ऑल नहीं करना है तो ऑल्ट ए करेंगे, ऑल्ट ए कर दिया। पहले स्टॉक में देख लेते हैं कि कितना मटेरियल हमारे पास, 5800 पीसेस है और हमने 2000 पीस किया है, तो इसलिए शो नहीं कर रहा। तो क्या करेंगे, इसके पीस को पहले कम कर लेते हैं, तभी रीऑर्डर दिखाएगा। ये मैं इसके पीस को कर लेता हूँ 100 पीसेस कर लेता हूँ, कि 100 पीस है मेरे पास, ठीक है। ये एंट्री कर ली सेव। अब स्टॉक में मेरे पास कितने आ गए, ये 100 पीसेस आ गया। अब मैं इसका रीऑर्डर अगर चेक करूँ तो डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, रीऑर्डर प्राइमरी, ये देखो ये बता रहा है कि रीऑर्डर लेवल ये हो गया, ऑर्डर टू बी प्लेस 1900, क्योंकि 100 मेरे पास है। रीऑर्डर लेवल मैंने 2000 पीस किया था, तो 100 में 2000 में 100 माइनस करके उनमें बता रहा है कि 1900 पीसेस आपको ऑर्डर प्लेस करना होगा। यहाँ से आप देख सकते हैं, अगर 100 से ज़्यादा था तो वहाँ पे शो नहीं कर रहा था, हमने 100 से कम किया तो यहाँ पे शो करने लगा, मतलब 2000 से ज़्यादा था तो यहाँ शो नहीं कर रहा था, 2000 से कम हो गया तो यहाँ पे शो करने लगा कि हाँ आपको इतने ऑर्डर की क्वांटिटी की ज़रूरत है, ठीक है। ये तो आपने देखा कि स्टॉक आइटम पे सेट कैसे किया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि स्टॉक ग्रुप पे कैसे सेट करते हैं। अभी एक ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं, स्टॉक ग्रुप। स्टॉक में गए, देखो इन दोनों को डाल लेते हैं हम, एक काम करते हैं, इन दोनों को डाल लेते हैं हम रॉ मटेरियल में, ठीक है। आइटम पे गए, अल्टर पे कंट्रोल एंटर करके, और यहाँ पे ऑल्ट सी करेंगे, यहाँ से रॉ रॉ मटेरियल ले लिया। यहाँ भी रॉ मटेरियल ले लिया, अब इन्वेंट्री इन्फो में जाएंगे, रीऑर्डर लेवल स्टॉक ग्रुप रॉ मटेरियल। पांच
5 days ले लिया यहाँ पे भी, आयरन रख लिया, और यहाँ ले लिया 300 पीसेस 5 days, या हायर। डिस्प्ले स्टेटमेंट, इन्वेंट्री, रीऑर्डर स्टेटस, रॉ मटेरियल। 1000 नेगेटिव में है, 5000 रीऑर्डर लेवल है, तो मिनिमम 6000 पीसेस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। 6000 पीसेस आपको ऑर्डर प्लेस करना होगा। अब यहाँ से आप F12 करने के बाद नेम के थ्रू जो भी देख सकते हैं, पार्ट नंबर के थ्रू भी देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन आपने कोई आपने स्पेशल दिया वो भी उसके थ्रू भी आप देख सकते हैं। आपको जिस हिसाब से स्टॉक को देखना चाहते हो उस हिसाब से अपने स्टॉक को देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप रीऑर्डर लेवल को सेट कर सकते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको कि अगर मैं स्टॉक की क्वांटिटी बढ़ा देता हूँ, स्टॉक आइटम की क्वांटिटी बढ़ा देता हूँ, जैसे पैकिंग बॉक्स है, पैकिंग बॉक्स के अंदर मैं स्टॉक की क्वांटिटी, मान लो मैंने यहाँ पे 2000 पीसेस दिए थे, अगर मैं 3000 कर दूँ तो रीऑर्डर लेवल पर शो नहीं करेगा, ठीक, क्योंकि हमने ऑर्डर ही 2000 के पीस का जब सेट कर रखा है तो शो कैसे कर सकता है। देखो, डिस्प्ले इन्वेंट्री, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, रीऑर्डर स्टेटस, रॉ मटेरियल, ये देखो क्लियर है, जीरो है, क्लोजिंग स्टॉक 3000 का, रीऑर्डर लेवल नेट अवेलेबल 3000 हमारे पास है, रीऑर्डर लेवल 2000 पीस का था तो यहाँ रिक्वायरमेंट है ही नहीं। अब नेट अवेलेबल 1000 पीस माइनस में 5000 रीऑर्डर लेवल है, तो ये प्लस हो जाएगा, टोटल 6000 पीसेस की हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो टोटल हमें 6000 पीसेस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो इस तरीके से आप रीऑर्डर लेवल को सेट करके आप अपने बिजनेस को कंटिन्यू रन कर सकते हैं, अपने प्रोडक्शन को कंटिन्यू रन कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताएं। मन में कुछ क्वेश्चन हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। रीऑर्डर लेवल से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लिख सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो टैली से रिलेटेड या इनकम टैक्स या GST से रिलेटेड तो भी लिख सकते हैं हमारे कमेंट में। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों इसी चैनल पे आपको टैली की सारी वीडियो मिलने वाली है, GST की सारी वीडियो मिलने वाली है, इनकम टैक्स की सारी वीडियो मिलने वाली है। थैंक यू सो मच।